सो मैं आ गया हूँ लेंता, और लेंता यहाँ पे एक स्टोर है जैसे अपने यहाँ पर इंडियन मार्ट वगैरह होते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना प्राइस डिफरेंस है और इंडिया और रशिया में कैसे आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो और कैसे यहाँ पे तुम चीज़ें खरीद सकते हो। तो वही सब चीज़ें हैं कि आप यहाँ पर रेट हैं, प्राइस है। Assalamu alaikum, mera naam Karina. Now I am the manager of this video blog because he is shy to do this cringe in front of someone. I am not swag. तो ये शुरू होता है अपना चॉकलेट सेक्शन। ये चॉकलेट मिल्की 79 रूबल्स, और ये अपनी डेयरी मिल्क कैलो भाई से। फेस वॉश शैम्पूज जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है अपने इंडिया के कंपैरिजन में। तो मैं हूँ अब ग्रोसरी सेक्शन में, और ये है मोका। मोका यहाँ पे बोलते हैं आटे को। आटा क्या, बेसिकली ये लोग जो है मैदा ही मिक्स करके खाते हैं, तो वो वाली क्वालिटी तो मिल नहीं पाएगी, लेकिन इसके इंडिया के कंपैरिजन में ये ज़्यादा कॉस्टली है। तो द प्राइस इट्स ये भाई 79 रूबल। So, ये है अपनी मसूर की दाल, और ये है 400 ग्राम 109 रुबल की, और ये आ जाता है अपना राजमा 159 रुबल 400 ग्राम। ये क्या है, ये अपनी मूंग की दाल, और मूंग की दाल भी है। दालें यहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। जो भी इंडिया में दालें मिलती हैं वो तो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन 3-4 अपनी दाल यहाँ आराम से मिल जाती है, तो दाल बना सकते हो। बाकी ये आ गई अपनी सूजी, और सूजी यहाँ पे है 79 रूबल केजी। चावल तो यहाँ बहुत ही भाई बहुत महंगा मिलता है, तो ये चावल है मोटा वाला, देख लो जो राशन में मिलता है चावल, ये है 131 रुपये किलो। और अगर ये थोड़ा ये दूसरी क्वालिटी का चावल है तो ये है 144 रुबल किलो। और अगर बासमती की बात करूँ तो बासमती है यहाँ पे 500 रुपये का आधा किलो, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ केजी। तो भाई ये देखो कितना बड़ा स्कैम भाई, किसी ने चावल के अंदर वो सूखा वाला खड़ा मिर्च नहीं होता लाल वाला, वो कोट दिया और उसको नाम दे दिया है बिरयानी, मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। भाई विदेश में अपने खाने की इतनी बेइज्जती भाई, किसी एंगल से बिरयानी लग रही है। सबसे सस्ती चीज़ भाई यहाँ की यही है दारू। खैर मेरे काम का तो है ही नहीं है सेक्शन। बाकी ये सब तेल की वैरायटी रखी हैं। बाकी टमाटर यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, लाइक 300 से 400 रुपए किलो टमाटर मिलेगा। तो ये है टमाटर की प्यूरी, तो इसे यूज़ किया जा सकता है खाने में, अच्छा टेस्ट आता है, इसे तुम यूज़ कर सकते हो। और इसके प्राइस हैं 141 रुपये। मसाला बोलते हैं यहाँ पे रशियन में ऑयल को, और सरसों का तेल तो भाई यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन ये सनफ्लावर ऑयल है और इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये इंडिया से यहाँ पे सस्ता मिलता है। तो ये मिलेगा 109 रुपए लीटर मिल जाता है, कहीं कहीं 98 का होता है, तो ये स्टोर टू स्टोर वेरी करता है। बाकी मटर, ये आ गई अपनी मटर, तो मटर भी ये बॉइल्ड मटर होती है, बस जिसको डालो और बना सकते हैं खाना।
वैरायटी तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा वेजिटेरियन के लिए यहाँ पे रहने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इतनी फूड वैरायटी नहीं है और वेज खाना इतना नहीं मिल पाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो भाई क्या ही बताऊँ, पोर्क चिकन, यहाँ पे लोग मीट ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इन दिस की मेरा चाय पीती हूँ। नमस्ते नो भाई, कैसे हो? Это we are in Russia now doing cringe. Rajpita hai. Rajpita hai. No, this is from Duolingo. अगला स्कैम है भाई यहाँ पे चिप्स के साथ। तो जैसे मुझे लेस के चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के लेस के चिप्स जो है इंडिया जैसी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर के साथ आते हैं। तो बेटा मिनट, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो लेस का तो नहीं है लेकिन ये चिप्स है, ये है पॉप। और किसी किसी चिप्स पे यहाँ पे क्रैप बना होता है, इसका मतलब ये नहीं वो जस्ट लोगो है, का मतलब ये है कि उसमें क्रैब एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ हुआ है। तो बहुत ही इसकी चीज़ें कंज्यूम करेंगे लेज विद क्रैब। दूध यहाँ पे 48 रूबल से शुरू होता है और 114 120 रूबल तक यहाँ पे मिलता है, वो डिपेंड करता है दूध में फैट परसेंट कितना है। तो ये सब दूध के वैरायटी हैं। ये पैकेट है 69 रूबल का। ये योगर्ट रखा हुआ है और ये फ्लेवर्ड है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मिक्स फ्रूट फ्लेवर। ये 23 रूबल 100 ग्राम। ये सिमताना, सिमताना बोलते हैं कर्ड को, कर्ड है 45 रुपीज़ 200 ग्राम का। और ये बड़ा पैक, ये है चिकन सेक्शन। तो चिकन का भी ऐसा ही है भाई, ये लेंता ना हो तो लेंता ना, तो हलाल का सेक्शन अलग बना हुआ है और किसी मार्केट से खरीदोगे तो ये वाला निशान जो है ये हलाल लिखा होता है, तो वही खरीदना है, बाकी मत खरीदना। वो भी हलाल होगा तो उस पर कहीं छोटा, ये जैसे इस पर हलाल लिखा हुआ है तो ये हलाल है। बाकी चिकन के रेट भी ऑलमोस्ट इंडिया जैसे है, तो ये जी का 199 रूपल और कहीं कहीं पे 60 भी है, तो वो डिपेंड करता है। यहाँ पे कई सारे स्टोर हैं, मोनेस का, मित्रोज का। ये है सॉसेज, तो ये वाला सेक्शन जो है ये हलाल का है, तो ये देख सकते हैं हलाल का मार्का लगा हुआ है और हर चीज़ के पीछे यहाँ पे इसमें ये रशियन में लिखा हुआ है हलाल। बाकी नॉन हलाल चीज़ें इधर रखी हुई हैं। ये सॉसेज हैं पोर्क, बीफ, ओ भाई मेयोनीज़ की भी बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे मिल जाएगी और ये भी चीप ही होती है, 89-59। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे कोई चीज़ महंगी है तो वो है मसाले, जो कि मिलते ही नहीं है वैसे, बहुत रेयरली मिलते हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा है वो है चावल और मीट। भाई ऐसा मत सोच के आना कि रशिया है तो सब लोग मांस खाते हैं, तो मांस बहुत आसानी से मिल जाएगा भाई यहाँ पे। अगर मटन लेने जाओ तो 500-600 रुपए किलो मिलता है। तो ये है ब्रेड सेक्शन, और ब्रेड के तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। तो ये है, और रोटी नहीं मिलती है यहाँ पे दूर दूर तक, मैं फिर छुट्टी पर करता हूँ। इसे बोलते हैं लिपोशका, और इसको खाया जा सकता है अगर रोटी नहीं। एग्स भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये है 96, ये वाला 74, C1 C2 साइज और क्वालिटी के ऊपर इनके रेट डिपेंड करते हैं। बाकी ये है
समथिंग लाइक इस मोमोज, तो इसके अंदर मीट भरा होता है और ये वेज वाले भी मिलते हैं। तो बाकी जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए मैं बता दूं, जब भी वो चीज़ कोई चीज़ ख़रीदना है तो वो ये मार्का ज़रूर देख लें हलाल का। तो यहाँ पे जो भी हलाल वाली चीज़ें होती हैं यहाँ पे सब हलाल। मैं उफा में हूँ और उफा 70% पॉपुलेशन जो है यहाँ पे मुस्लिम्स की है, तो यहाँ पे हलाल चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये मार्का है हलाल का जिस पे है वो हलाल वाली चीज़ें लें। ये है पनीर और ये भी ऑलमोस्ट 300 से 400 रुपए किलो मिलता है। बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। ये बटर है 189, 400 ग्राम बटर होगा। ये है जूस, और मैं तो फ्रूटी लवर हूँ, फ्रूटी तो यहाँ पे मिलती नहीं है, आम का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो ये है, सही लगता है, 38 रूबल्स का मिलता है। और ये सारी जूस की वैरायटी है यहाँ पे, जूस की तो यहाँ जूस और चॉकलेट की तो रशिया में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ये आम, नाम ही है बस आम का। हाउ टू ओपन इट, हेल्प मी लाइक। भाई ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कभी रशिया आओ तो जैसे इस पे लिख रहा है ना ये विटामिन बी सी ई, वही चक्कर में इसको मत खरीद लेना, ये है बियर। एक बार पैसे पूरे वेस्ट हो गए थे भाई, मैंने खरीद लिया था ये कि भाई विटामिन है। ये कैंडीज़ का सेक्शन, तो भाई कैंडीज़ की तो यहाँ पे जो लोग मीठा खाते हैं उनके लिए तो ये जगह जन्नत है भाई। चॉकलेट्स की इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं यहाँ पे बहुत, और ये ग्राम्स के हिसाब से, वेट के हिसाब से मिलती हैं यहाँ पे। लाइक तुम उठाओ, वेट करो, जो भी तुम्हें पसंद है, और भेजो सिंपल। ये सारी रखी हैं सब्जियाँ, तो ये सारी फ्रोज़न सब्जियाँ हैं। ये है टमाटर, और पता नहीं इसमें क्या क्या मिल रखा है। ये हैं बीन्स, ये भी 100 से 150 रुपए के अंदर मिल जाती है। किस तो आता केला, केला आम, तो केले भाई यहाँ पे दर्जन का हिसाब नहीं होता है, यहाँ पे केले मिलते हैं किलोग्राम के हिसाब से। तो 90 रूबल केजी और 67, 70, समटाइम 100, तो ये यहाँ पे केले के रेट चलते हैं फ़िलहाल। अभी समर टाइम में सारे फ्रूट्स वेजिटेबल सस्ते होते हैं, तो अभी ये चल रहे हैं 54 रुपीज़ केजी। तरबूज भी मिल जाएगा, खाने का तो ऑलमोस्ट सब सामान मिल ही जाता है यहाँ पे, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये है भाई आम रशिया में, और इसका प्राइस है 1 किलो 349 रूबल। फ़िलहाल इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 500 रुपये किलो मिलेगा आपको, क्योंकि अभी वार की वजह से करेंसी फ्लक्चुएट हो गई है, तो रशियन रूबल और इंडियन रुपी अब सेम नहीं है। ये हैं बॉइल्ड पटेटोज, बॉइल कैरेट,
So, what is the most useless job? Is like when your friend asking you to shoot his videos and he is not paying you.